हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉय का। तो यहाँ पे आज हमारे पास जो है बुलेट ट्रेन, जो कि जापान और इवन चाइना के अंदर जो है बहुत ही पॉपुलर है और मे बी इंडिया में भी फ्यूचर में आ सकती है। वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी जो भी है, बुलेट ट्रेन जो है मतलब बहुत ही पुराना कंसेप्ट है और मैंने भी बचपन में आई थिंक 15-20 साल पहले से जो है ट्रेन चल रही है जापान के अंदर और काफ़ी जो है मतलब पॉपुलरिटी है। लोग स्पेशली जापान इसीलिए जाते हैं कि बुलेट ट्रेन जो है उसमें एक बार बैठ सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है और हमारे रिटेल स्टोर जो है उसके ऊपर बिकने वाला हाईएस्ट सेलिंग ये टॉय है और एक बार जो कोई भी इसको देख लेता है वो इसको लिए बिना कभी नहीं जाता है हमारे स्टोर से। तो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव और काफ़ी जो है क्या बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, जैसे कि ये 3 साल से बड़े बच्चों के लिए है, तो उनको जो है म्यूजिकल टॉयज़ मूविंग टॉयज़ जो है बहुत पसंद है। जैसे कि उनको जो है म्यूजिक वाली लाइट वाली जो है पुलिस कार या तो फिर ट्रेन पसंद होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रक्स पसंद होते हैं, गन्स म्यूजिकल जो आती है वो पसंद है, लाइट वाली म्यूजिक वाली लेजर लाइट उनको पसंद रहती है। फिर इस तरीके की बुलेट ट्रेन है या तो फिर मिनियन आते हैं म्यूजिकल और डांसिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ जो है डॉल्स आती है जो कि यहाँ वहाँ मूव करती है, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो ये सब चीज़ों की जो है काफ़ी डिमांड रहती है और बच्चे जो है इसको बहुत ही मज़े लेके खेलते हैं। तो इसको चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, इसमें कुछ और है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव जो है और बहुत ही जो है लंबी कार है। तो यहाँ पे आगे जो है आई थिंक सेंसर है इसके अंदर और ये ऑटोमेटिकली जो है रिवर्स हो जाती है अगर ये कहीं से टकराती है तो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसके अंदर जो आई थिंक 3 या तो 4 जो है बैटरीज आती है, डबल ए बैटरीज तरीके से 3 है, सॉरी 4 नहीं है। ऑलराइट, तो एवरेडी की डाली है यहाँ पे और ये जो है इसके टायर है रोटेटिंग वाले। तो इसको स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ, तो ये जो है नीचे घूमेंगे और जब ये टकराएगी तो रिवर्स हो जाएगी और ये लाइट्स भी इसमें चलती है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसका जो है डेमो देख लेते हैं। ओवरऑल इसका जो है बिल्टअप बहुत ही बढ़िया है, सबको जो है पसंद आ जाए ऐसा है। तो ये जो है एक्चुअल में इसकी प्राइस है 230 रुपीज़ आई थिंक, यस 230 रुपीज़ है इसकी प्राइस और ये आपको लोकल मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट्स में कहीं पे भी मिल जाएगी। और इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनकेस अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाती है तो आप जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, ये ब्रांड न्यू का मतलब ट्रेन जो है इसको हम आपके वहाँ पे डिलीवरी कर देंगे। बस आपको जो है 230 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस एडवांस में पे करने पड़ेंगे पेटीएम के ज़रिए और ये प्रोडक्ट आपके वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। हमने जो है अभी तक बहुत जगह जो है ये सब डिलीवरी की है तो आपको उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए इसका जो है हम लाइव डेमो देख लेते हैं कैसे चलती है ये। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल सा जो है डेमो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसको जो है आप ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें। इसको जो है आप गिफ्ट में दे सकते हैं अपने बच्चों को या तो फिर अपने फ्रेंड या रिलेटिव के बच्चों को भी जो है आप गिफ्ट में दे सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर ये वीडियो पे 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है उसकी होलसेल प्राइस को मैं रिवील करूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके अलावा अगर ये चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इस तरीके की जितनी भी हमने प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग के वीडियोज बनाए हैं सबकी जो है होलसेल प्राइस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर रिवील कर दूंगा। उसके अलावा जो है हमने एक सोशल इनिशिएटिव जो है वो भी स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके घर पे जो है कितने ऐसे खिलौने पड़े हैं जिससे कि अब आपके बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, या तो खिलौना टूट गया है या तो बच्चा जो है वो बड़ा होना शुरू हो गया है और जो मतलब बचपन में जिस खिलौने से खेल रहा है, जैसे कि टॉय स्टोरी में आपको आपने देखा ही होगा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पुराने खिलौने जो है उसको वो छोड़ देता है और उसको जो है नए खिलौने चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन भी शायद आपके बच्चों के साथ हुई है। और उसके अलावा जो है बच्चों आजकल जो है उनके स्कूल बंद होने के कारण जो है बहुत ही नए नए खिलौने की डिमांड करते हैं, तो नया खिलौना आने के कारण
जो वर्किंग खिलौना है वो भी उसने छोड़ दिया है, तो ये भी रीज़न एक हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर पे कितने खिलौने पड़े हैं, और दूसरी चीज़ आप ये खिलौने जो है उसका क्या करते हैं, कि आप उसको भंगार वाले को दे देते हैं, रद्दी में दे देते हैं, या तो फिर आप उसको फेंक देते हैं, या तो फिर आप अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के बच्चे जो है उनको आप फ्री में दे देते हैं, या तो पैसे दे के देते हैं, या तो फिर उसको फेसबुक OLX पे सेल करते हैं, या तो फिर आप उसको जो है जो प्रॉपर्टी में जाके, या तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके, या तो फिर ऑर्फनेज में जाके, वहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं उनको आप डोनेट करते हैं। क्या करते हैं खिलौने का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।